यही है वो। मोला जान दो, मोला नहीं पता साहब, मोला जान दो साहब। मुझे लगता है यही वो। सरकारी अस्पताल। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर गोविंद। जी आई सर, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर गोविंद। आपसे भूल हो रही है, मेरा नाम धर्म प्रकाश है। गोविंद धर्म प्रकाश विल्सन श्रीवास्तव देश पांडे, आपके इन सारे नामों में से कोई भी चुन लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदिल खान सीनियर एसपी भोपाल। जानता हूं, इस मुलाकात का 4 सालों से इंतजार था मुझे। चले। यहां से लेकर नंदी घाट तक दर्जनों अपराध दर्ज है इनके नाम। गोविंद राम सूर्यवंशी मुंबई के जाने माने व्यवसायी और धनी परिवार में जन्मे। रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी फॉर 7 डेज। पढ़ाई करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करने के बाद देश लौटे और गरीबों के शोषण से प्रभावित होकर सब कुछ त्याग दिया और माओइस्ट मूवमेंट में जुड़ गए। पिछले 30 वर्षों से गोविंद जी अंडरग्राउंड रहे और इन्हें नक्सल मूवमेंट के सबसे मुख्य आइडियोलॉग के रूप में जाना जाता है। नक्सलवाद, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिसे आज भी देश का सबसे गंभीर आंतरिक खतरा मानते हैं, देश के 200 से भी ज्यादा जिलों में आज भी फैला हुआ है। आज से लगभग 45 साल पहले बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में गरीब मजदूर किसानों ने जमीन के हक में लड़ाई के लिए जमींदार को ही मार डाला था। बस वहीं से जन्म हुआ नक्सलवाद का। नक्सलवाद उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड समेत देश के कई अन्य राज्यों में फैल चुका है। देश के हजारों आदिवासी हथियार उठा चुके हैं और देश की व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन आदिवासी संगठनों को हथियार और ट्रेनिंग देश और बाहर के आतंकवादी संगठनों द्वारा भी पहुंचाया जा रहा है। अरे भाई, यहाँ माओवादी आंदोलन फैलने की यही वजह है कि 65 सालों में यहाँ कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, और आज आप विकास की बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि दरअसल उसकी आड़ में आपको उनकी जमीन छीननी है, जहाँ लोहा है, मैंगनीज है, कोयला है, बॉक्साइट है और न जाने कितने मिनरल्स गड़े हुए हैं। देखिए, सीधी सी बात तो यह है कि उस जमीन में दबे नेचुरल रिसोर्सेस का जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो विकास कैसे हो पाएगा। महंता जैसे बड़े ग्रुप के साथ यह 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का करारनामा साइन करने का लक्ष्य यही है, और फिर पुनर्वास की योजना बनकर पूरी तरह तैयार है। महंता ग्रुप के चेयरमैन की हैसियत से मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नंदी घाट के लोगों की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आदिवासियों के लिए पक्के मकान, अस्पताल, इंटरनेशनल स्कूल और एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। बिजनेस के साथ साथ महंता ग्रुप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी बहुत सीरियसली लेता है। महंता सर, आपकी इस वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में आदिवासी बच्चों के लिए सीटें रहेंगी क्या? देखिए, जाहिर है कि वहाँ के आदिवासी अपनी जमीन से हटना नहीं चाहते, तो क्या उन्हें जबरदस्ती हटाया जाएगा? देखिए, मीडिया जब खुद माओवादी प्रचार का शिकार बन जाती है तो सच जनता के सामने कैसे आएगा? आदिवासी लोग हमारे भाई हैं, कोई उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। जबरदस्ती तो नक्सलियों के साथ होगी। नंदी घाट से उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, और यही इस सरकार का वचन है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आप लोकतंत्र की वकालत करते हैं और दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार से बात तक नहीं करना चाहते। मैं ऐसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता जो गरीबों की इज्जत करना नहीं जानता। आप लोगों की नक्सली हिंसा और पुलिस की जवाबी हिंसा पे हम बहस कभी और कर लेंगे प्रोफेसर। फिलहाल तो मैं बस कुछ बेसिक सवाल पूछना चाहती हूँ। इससे पहले कि आप फालतू सवालों में अपना समय बर्बाद करें, मैं साफ कर देना चाहता हूँ, अब मैं सिर्फ 3 काम करता हूँ, पढ़ना, लिखना और पढ़ाना। इस बारे में आप मुझसे कोई भी सवाल करना चाहें, मैं जवाब दे दूंगा। बाकी किसी चीज के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और ये मेरा अधिकार भी है। अगर आप इसी तरह से पेश आना चाहते हैं तो ठीक है प्रोफेसर,
मेरे रिकॉर्ड्स में आपके हाथ 91 पुलिसमैन और 150 निर्दोष सिविलियंस के खून से रंगे हैं। के कैसी हवा चल रही है नंदीघाट में? फैंटास्टिक यार, गोविंद सूर्यवंशी को पकड़कर तूने सारे मूवमेंट को साला हिला कर रख दिया। उसे नंदीघाट के बारे में कुछ बताया कि नहीं? अब तक तो नहीं, लेकिन रिया भी उसे छोड़ने नहीं वाली। मेरा हाय कहना रिया को। अरे आज तुम लोगों का कॉलेज रियूनियन है ना? हाँ यार, कुछ बोरिंग सी पार्टी होगी। लेकिन आज रात पार्टी हमारे यहाँ जबरदस्त होगी मियाँ, खूब पटाखे फूटेंगे। क्यों, कुछ प्लान कर रहा है क्या? एनकाउंटर करने का इरादा है क्या? बताना। ऐसा साला एनकाउंटर करूंगा जैसे पहले कभी हुआ नहीं। एक ऐसे लीडर को उड़ाऊंगा कि तू तो साल भर पार्टी मनाएगा। कौन? राजन। अरे सबर कर मेरे दोस्त, कल अखबार में पढ़ लेना। कांट ब्लडी वेट, गेट दैट बास्टर्ड। आई विल। कौन है? कोई कबीर साहब बोल रहे हैं। कबीर? हेलो कबीर, इज दैट रियली यू? द वन एंड ओनली। Oh God, I don't believe this. Where have you been, man? तुम हो कहाँ? I'm good. यही हो रिया। Wow, party पर आ रहे हो? हाँ, मगर हमारा दोस्त कहाँ है? यही है। It's Kabir. College की party पर वो भी आ रहा है। सात साल से गुस्सा पाल रहे हो। अल्सर हो जाएगा। माफी कर सकते हो उसे? You're acting like a kid. कैसे बताऊँ कि कबीर क्या था मेरे लिए? किसी भी दोस्त से बढ़कर। इस दुनिया में मेरे सिवा कोई था भी नहीं उसका। क्या कर रहा है बेटू? फालतू के सपने देख रहा था। जा रहा हूं मैं वापस अपने गवर्नमेंट कॉलेज। एक तो पढ़ाई मुश्किल है यहाँ पे, ऊपर से सालों ने फीस भी बढ़ा दी। तेरी फीस भर दी यार। मुझे तेरे बाप के पैसे नहीं चाहिए। डैड के पैसों से अपनी फीस भर दी, तेरी अपने स्कॉलरशिप से। ये क्या है? अपना फ्यूचर। देख बॉस, अब तक हमने जो भी किया है साथ साथ किया, लेकिन अब हमारा रास्ता अलग। चल डायलॉग बाजी बंद कर और चुपचाप फॉर्म पर साइन कर ठाकुर। लेकिन मुझे नहीं करना है। कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुझे तो पुलिस वाला बना के ही छोड़ूंगा। चल साइन कर। जाड़ा हो, गर्मी हो, बारिश हो या धूप, आंधी हो कि तूफान, दिन हो कि रात, एक बार जब ड्यूटी का कमान कट गया तो बस फिर कोई सवाल नहीं। आप सबको खड़े रहना है, हिलना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, अगर ये लग गया तो क्या करेंगे? सुधर जा यार कबीर, तू हमेशा मस्ती मजाक करते रहता है। चुप साले, बकवास बंद कर। बकवास तो आप कर रहे हो। एक तो साले सर कोटा से नहीं कबीर, एक मिनट। अरे महेश क्या कर रहा है यार, छोड़ो। ऐसे नहीं बात कर सकते किसी कमजोर से, समझे? तू कौन है बे? कितनी बार समझाया उसको कि अपनी दे, फालतू के झगड़ों में अपनी लाइफ मत खराब। स्टॉप इट। लेकिन कबीर तो बस, मैं कहता हूँ छोड़ो से, संभाल ही नहीं पाता था अपने आप। माफी नहीं मांग सकता मैं। हाँ ऐसा ही हूँ मैं और ऐसा ही रहूंगा। अगर पहले से मालूम था तो फिर लेकर क्यों आया मुझे यहाँ पर? गलती की, बहुत बड़ी गलती की। पिताजी सही कहते थे, तू कभी कुछ नहीं बन पाएगा। आज के बाद चेहरा मत दिखाना अपना। इतने साल बीत गए, पता नहीं कहां रहा, क्या किया। अब जाके याद आई है साली को। सोच क्या रखा है, गले लगा लूंगा। कबीर! ये भी ना। माफ कर दो सरकार, हम पैर पकड़ते हैं, आगे कभी आपका हुक्म नहीं टालेंगे। आप मेरे बाप हैं, मर जाएंगे हम जो आपने हमें माफ नहीं किया। अब जो कहेंगे हम करेंगे। साले नौटंकी। कुछ खास नहीं यार, पहले तो कुछ बोरिंग जॉब्स करता रहा, फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ज्वाइन की और फिर अपनी खुद की कंपनी बना के मोबाइल फोन्स बनाने लगा। क्या मोबाइल फोन्स? तेरे अपने ब्रांड का? कभी ट्राई किया इसको? रैक? ये रैक मोबाइल क्या होता है? तू नहीं सुधरेगा। R A K, रिया आदिल कबीर। Yes. Yeah, of course. Flop तो होना ही था। Flop.
पहला कंसाइनमेंट एमपी और छत्तीसगढ़ के जिले में हाथों हाथ बिक गया, लेकिन फिर 2 महीने बाद खराबे की कंप्लेंट्स आने लग गई। फिर डीलरों ने पैसे देने बंद कर दिए, फिर बैंक वाले आ गए हमारे यहाँ, झगड़ा हो गया यार, हाथ चल गया मेरा वो पुलिस वाले पर, अरेस्ट कर लिया साले ने। तूने पुलिस वाले को मारा, शाबाश। तो कितने दिन चक्की पीसी थी? अब रहने दो ना, तुम भी वापस तो आ गया ना। गुड इवनिंग सर, यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर पर जंगल के बीच तुलसी पहाड़ी पर एक मेला लगा है। खबर मिली कि नक्सलों ने वहाँ पर एक जोनल मीटिंग अरेंज की है, उनकी सेंट्रल कमेटी के शिवराम और चक्रवर्ती भी आ रहे हैं और उनका जोनल कमांडर राजन भी होगा वहाँ पर। राजन, खबर कितने पक्की तुम्हारी? क्रॉस चेक कर लिया है सर, इंटेलिजेंस भी कंफर्म किया है, वो लोग गोविंद करस पर जवाबी हमला प्लान कर रहे हैं। ठीक है, मुझे खबर देते रहो, मैं घंटे भर में कंट्रोल रूम में रहूंगा। राइट सर। सर आप मन जल्दी निकलो, मंदिर के पीछे कॉमरेड वन जमा हो रहा है, उनका मीटिंग चालू होने वाला है। सर कमल किशोर यार। हाँ के राठौड़ बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, वी हैव द कंफर्मेशन, राजन आ चुका है, टारगेट से 400 गज की दूरी पर है वो। गुड, वेरी गुड के। आज राजन बचना नहीं चाहिए एसपी साहब। टोटल एनकाउंटर कर देना, जस्ट फिनिश हिम। के ये अपने होम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे। सर बी वेरी केयरफुल के। सर Can you hear me? Rishabh, दूसरी लाइन कनेक्ट करो, हरी अप। KK? सुन पा रहे कि नहीं? केके? Oh God, sir. केके, can you hear us? Sir, it's a trap. हम लोग गिर गए। Hello? केके? केके? देखिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। कितना समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन में, क्या बता सकते हैं हमको? नंदीघाट हमले में सीआरपीएफ और पुलिस के 84 जवानों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आज शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना तय है। इस बीच जंगल में अज्ञात जगह पर नक्सली नेता राजन ने मीडिया से बातचीत की। हम दुनिया के सामने खुला ऐलान करते हैं कि सरकारी दलाल हमारे बारे में खूनी आतंकवादी जैसे नहीं अफवाह उड़ाएं। हमर हर हमला गरीब आदिवासी की रक्षा के लिए है, जोन पुलिस व्यवस्था ले दबे वो कुचले लोग हैं। हम कोनो कीमत पर 1 इंच भी आदिवासी जमीन नहीं देबो। लाल सिंह, इस नरसंहार की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन सर, होम मिनिस्टर साहब ने तो परमिशन दिया था, कंट्रोल रूम में वो खुद है? हमने कब परमिशन दी थी? हमने कहा था आपसे खबर पक्की है, चढ़ा दो जवानों को पहाड़ों पर। उल्टा आपने हमें लपेटे में ले लिया था डीजीपी साहब। प्लीज अपने फेलियर का ठिकरा हमारे सर पर मत फोड़िएगा। करारनामे पर सवालिया निशान लगा दिया है। अभी अभी महंता ग्रुप के चेयरमैन प्रशांत महंता ने मीडिया को बातचीत के लिए बुलाया है। आइए हम आपको सीधे उनके हेडक्वार्टर्स लिए चलते हैं। जहां पुलिस और सीआरपीएफ ही सुरक्षित नहीं, वहां अपना प्लांट लगाने का रिस्क हम कैसे ले सकते हैं? जब तक सरकार सभी वर्कर्स की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले लेती, हम कोई काम शुरू नहीं कर सकते। थैंक यू। महंता के इस बयान के बाद सरकार ने
अब आप बता दीजिए डीजीपी साहब, इस समस्या को संभालने की क्षमता है आप में कि मैं मानता से कह दूं कि वो राजन से ही अग्रीमेंट साइन कर लें? अरे कुछ एक्शन दिखाए डीजीपी साहब, एक्शन। सर तुरंत जवाबी कार्रवाई के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये दुश्मन किसी बॉर्डर पे घात लगाकर नहीं बैठा है कि हम उस पर चढ़ाई कर देंगे। जवानों के बीच अपने साथियों के मारे जाने से इमोशंस बहुत डिस्टर्ब्ड होंगे, बदले की भावना में वो एक्सेस करेंगे और निर्दोष मारे जाएंगे। ये ट्राइबल्स को और प्रोवोक करेगा और यही नक्सल्स चाहते हैं। जानता हूं आदिल, लेकिन इन पॉलिटिशियंस की अलग कंपल्शंस हैं। ये अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम पर दबाव बनाए रखते हैं। सर उनको क्या परवाह कि हमारे कितने जवान गए? के जैसा बहादुर अफसर गया, दो चार 10 लाख रुपयों का मुआवजा पब्लिसिटी करके बांट देंगे, बस। हालात ऐसे हैं, आखिर कौन जाना चाहेगा नंदीघाट? व्हाट? हाउ कैन यू डू दिस? मुझसे बात तक नहीं की और इतना बड़ा फैसला? बिल्कुल समझ के बाहर आइए। समझ के तो मेरे भी बाहर ले रही हो कि कैसे एक रात में 84 पुलिस जवानों की हत्या हो जाती है और कैसे नंदीघाट में सरकार के बदले आतंकवादियों का राज चलता है, और क्यों कोई भी वहां एसपी की पोस्टिंग लेना नहीं चाहता। लुक रिया, समवन्स गॉट टू डू दिस। राइट, तुम ही मिले थे ना गोवर्धन पहाड़ उठाने वाले, और तो कोई सुरमा है नहीं पुलिस डिपार्टमेंट में। समझा यार इसको, कुछ ज्यादा ही रिया कर रही है। ऑब्वियसली रिया करेगी आदिल, तो ये पागलपन जो करने जा रहा है। कितनी मुश्किल से साथ साथ की पोस्टिंग मिली थी, और अभी तो बात की थी कि फैमिली शुरू करेंगे, और अब आपने नंदीघाट का ट्रांसफर ले लिया। मत ले ये ट्रांसफर आदिल, मुझे इसमें कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। कौन से रास्ते से ले रहे हो? मेन हाईवे सर, ओतिला सेफ है। नहीं, ये लखीमपुर से लो। मगर सर ओती तो जंगल है। तो जनता ना सरकार, खाकी वर्दी वाले सोच समझ कर प्रवेश करें, उनके जान की गारंटी उनकी खुद की। यहाँ से लखीमपुर कितना दूर है? यही कुछ 4-5 किलोमीटर हुई सर। गाड़ी नीचे उतारो, वहां से उतर जाएगी। अरे सर लेकिन वो गाड़ी नीचे उतारो राजा राम। ए चाबी दे। ए चल बैठ, आइए सर। गेट बंद क्यों? देखो तो सर। अरे खोलो। सर चाबी बड़ा बाबू के पास है। अरे तो दौड़ के जाओ, तिवारी जी ना बोल, एसपी साहब आए हैं। अरे सर सॉरी सर। पुलिस स्टेशन है कि चोर बाजार? सर लखीमपुर पुलिस स्टेशन कितना एरिया कवर करता है? सर 2 किलोमीटर सर। हाँ 2 किलोमीटर? यस सर। लेकिन यहाँ से दूसरा पुलिस स्टेशन तो 23 किलोमीटर दूर है ना? सर यहाँ ले 2 किलोमीटर के बाद सारा रास्ता ब्लॉक कर दिए, स्टाफ आगे नहीं जाए। वो कहा है कि जॉन चौकी हम बनाते हैं, ओमन के डायनामाइट लगा देते हैं सर। तो नक्सलियों की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है तुम्हें? पंचायत में कुछ लोग हैं तुम्हारे, क्राइम कैसे कंट्रोल करते हो? सर यहाँ आसपास मर्डर भी होते हैं, तक उन्होंने FIR नहीं करा, सबो मामला नक्सली मन के जनताना अदालत में सेटल हो जाते।
सर यहाँ बहुत शांति है सर। जी सर। फायर मत करना, फायर मत करना, फायर मत करना। ए मैनेजर, ऐसे ही चाह गए आप तो? अमन तो सोच रहे पुलिस फौज लेके आओ। अरे नागा जी, आपके राज में पुलिस की क्या जरूरत है, जब आप हैं तो। अबे मैनेजर, नौटंकी वाला डायलॉग बंद करो, अभी तो रामलीला का दी एंड करवाता हूं। ए चढ़ा दे मंत सबल्ला ही ट्रक में, लगा दे डायनामाइट। अरे, अरे नागा जी नाराज क्यों होते हैं, हम आपसे बाहर थोड़ी हैं, आप जैसे बोलेंगे। चुप साला, एकदम चुप। कौड़ी का भाव में खदान लेके करोड़ों बनाए तोर कंपनी, और हम सिंपली 20 लाख का चंदा मांगे तो लगे रे रिया ने। एक मिनट का टाइम दीजिए, हम इंतजाम करवाते हैं। बस उतके टाइम है आपका पास मैनेजर जी, 60 सेकंड में थे इतिहास बन चुके हो बे। हेलो हेलो, एक मिनट10 और ये 15 टोटल है। लाल सलाम, लाल सलाम। ए, क्या कर रहे थे? अपन मजदूरी ले दो कॉमरेड। अच्छा तो ये बात हमें बड़ी अच्छी लगा था, हिसाब किताब में बड़ी पक्की है तू। वो तो हो। आपके इन पैसों से वो अपनी बंदूक और बारूद खरीदते हैं। ये देश के खिलाफ एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी है और मैं आप लोग को दफा 120B और 121 के तहत गिरफ्तार कर सकता हूँ। सर मैं रविंद्र नाथ हूँ, कॉस्मोस ग्लोबल स्टील का प्रोजेक्ट मैनेजर। हमारी पाइपलाइन का काम 4 साल से अटका हुआ था। माफ कीजिएगा मगर हमारी प्रोटेक्शन की दरख्वास्त का पुलिस जवाब तक नहीं देती, करोड़ों का नुकसान होता रहा। अब आप बताइए हमारे पास उपाय क्या है? नक्सलियों से सेटलमेंट करके काम आगे बढ़ाएं तो आप मारे, बैठे रहे तो नुकसान मारे। मजबूरी है सर, नुकसानी तो है ही, जंग के खतरा भी बनी रहते हैं। जंगल ले बुलावा आ जाता है तो उस टाइम खोजे ले भी पुलिस नहीं मिले। मिलेगा, पुलिस से मदद और प्रोटेक्शन दोनों मिलेगा, मगर आपको भी हमारी मदद करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि नक्सलियों की सप्लाई लाइन काट दी जाए, आदिवासियों के चंदे से वो अपने हथियार नहीं खरीद सकते। याद रहे ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है। अब हमारे जवान पॉलिटिक्स तो समझते नहीं है, इनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम अपने ही देश के लोगों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो सॉल्यूशन चाहते ही नहीं, बस मुर्गे लड़ा रहे हैं। हालात कैंपों में ऐसे हैं कि अगर हमारे जवान नक्सलियों की गोली से बच गए तो मलेरिया से मर रहे हैं, और अगर इंटीरियर में पोस्टिंग कर दी तो बिजली नहीं, नेटवर्क नहीं, महीनों ये अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाते। और हमारी इंटेलिजेंस? वही तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वो पका होता तो केके और सरबजीत तो ट्रैप ना होते। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि गांव वालों का पूरा सपोर्ट है इन नक्सलियों को। हमने 12 लाख तक का इनाम अनाउंस किया है लेकिन डर के मारे कोई सामने ही नहीं आता है। और चूंकि ये नक्सली गांव के बीच में से ही हैं इसलिए आसानी से इनके बीच में घुल मिल जाते हैं, और इनका नेटवर्क इतना सॉलिड है कि इनको हमारे हर मूवमेंट की खबर मिल जाती है। और इसी के बल पर राजन और उसके 2 एरिया कमांडर नागा और जूही, इन्होंने पूरे नंदी घाट में आतंक मचाया हुआ है। हमें इनके कंट्रोल को तोड़ना ही होगा किसी भी तरह। पुलिस आ गए! भागो रे! पुलिस आ गए! सर ये गांव वालों ने कभों कोनो सरकारी अफसर तक देखे नहीं, बस पुलिस को ही सरकार समझ बैठते। ये लोग मौत ले भी उतना नहीं डरत है जितना खाकी वर्दी वाले से। आ,
आ बेटा, चल 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 बेटा, चल। एक मिनट, देखिए। ए, भाग जा बेटा, भाग जा। अमल्ला माफ कर दे साहब, अमल्ला कछु नहीं मारे। अरे काट ले क्या? अमल्ला माफ कर दे। अमल कछु नहीं किए। अमल्ला माफ कर दे साहब, साहब। अमल्ला माफ कर दे, साहब। अमल कछु नहीं किए साहब। बैठिए। देखो आप कैसे हो? बैठिए, बैठिए, बैठो, बैठो, बैठो। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं आदिल हूं, आपका दोस्त। मैं मानता हूं कि हमसे गलती हुई है, सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया आप पर और आपके साथ अन्याय भी हुआ है, और आज भी हम जैसे पुलिस वालों का डर आपके दिल में। मैं उसी डर को दूर करने आया हूं। अगर आप हमारा साथ दें, हम हमारी गलती सुधार सकते हैं। सरकार चाहती है, ये देश चाहता है कि आप उनके विकास से जुड़े, आपके बच्चों का भविष्य बने और उन्हें आतंक और बंदूक के साए में नहीं रहना पड़े। आप बस ध्यान से इतना सोचिए कि माओवादियों ने आपको हथियार देकर आपका कौन सा भला किया है। वो सारी चीजें, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, विकास, जिनके लिए आपने बंदूक उठाई, वो सब क्या दिया इन लोगों ने आपको? क्या वो दे सकते हैं? ये लोग इस देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, बंदूक की ताकत से सत्ता हथियाना चाहते हैं, और जो भी बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करेगा वो फिर राज कैसी ताकत से करेगा, ये आपको सोचना चाहिए। देखिए, अब ये जंग बंद होनी चाहिए, इसमें किसी का भला नहीं। आप ये डर की जिंदगी छोड़ दें, हमारा साथ दें, हम मिलकर एक नया समाज बना सकते हैं जिसमें कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई भी नहीं। दीजिए, अगर आपको किसी भी किस्म की तकलीफ हो या कोई भी आपको डराए या धमकाए, चाहे वो दादा लोग हो या फिर पुलिस वाले, ये मेरा फोन नंबर है, मुझे फोन कीजिए, वादा करता हूं तुरंत एक्शन लूंगा। विश्वास रखो, विश्वास रखो। आप सबोमन पार्टी के मेंबर हो और सबका बराबर का हक है, का करना है, किसको सुनना है, यह चुनाव आपका है। मैं सिर्फ अतेक बोलू हूं कि एसपी झूठ का मरहम लगाने आया है। 60 सालों ले ये लोग धोखा देते, मीठी बातें सुना के झूठे वादे करते हैं, थोड़की मिठाई खिला के आपका खून चूसत है। अरे मत भूलना कॉमरेड, ये लुटेरी सरकार की पुलिस है, यह महंता जो स्टील प्रोजेक्ट लगात है, कहां रहत है? लंदन में रहत है, 1500 करोड़ के महल में, 40 बेडरूम, खाने का, नहाने का, नाचने का, हगने का, मुतने का, सबके लिए एक एक कमरा, स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स और पता नहीं का है सब। कहां से आता है इतना पैसा बताओ, कहां से? इस देश की मिट्टी में गड़े खान खदान से। और महंता 15,000 करोड़ रुपया का करारनामा किया है सरकार से, कतेक रुपया? 15,000 करोड़ रुपया। कार्य बालू? हाँ कॉमरेड। देखा इतना पैसा? देखा हो ना कॉमरेड,
सपना में 15-15 रुपया के नोट छाप छाप के गड्डी बनाते रहो। वो मंदा का कहत है कि फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खोलेगा जिमा हमार आदिवासिन के बच्चा अंग्रेजी बोलेगा और सीखेगा। Shut up, you bloody fool. ये सारा नाटक हमार जमीन छीन के हमको बेदखल करने के लिए है। हम बेदखल होंगे? हम बेदखल होंगे ही नहीं। हेलो हेलो मैं बोल रहा हूँ। साले साले माता जात चल 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 माता जात दे एसपी आदिल खान। कौन बोल रहा है? राजन बोलो था। कौन राजन? ये आवाज सुन सब मालूम हो जाए। ए सुन राजन, राजन यू बस छोड़ उसको। अरे गरीब को क्या मारता है, मरता तो सामने आओ, तोड़ दूंगा साले। शट अप, शट अप। हमारे गांव के मासूम लोगों को झूठे और बेईमान मादों से गुमराह मत करो तुम सबर मन। तुम्हारा हमारे गांव में घुसने की हिम्मत भी मत करना। और जान प्यारी हो तो नंदी घाट टाउन में ही चलो डेरा डाल के। अरे चुप। जनताना सरकार का कानून साफ है कि गद्दारी के सजा का है। अपने कॉमरेड के पुलिस ला खबर देने की एक ही सजा है। यहाँ कोनो जुबान नहीं खुलेगा सर। डर से कोई पंचनामा पे अंगूठा लगा भी दी ता कोर्ट में पलट जाएगा। कानून के रास्ते लड़ाई बहुत मुश्किल है। राजा राम, मुझे राजन चाहिए किसी भी कीमत पर। सर यहाँ भी वही खबर है। राजन कल रात लातेहार में कैंप किया था। सवेरे 10 बजे कोलार के रास्ते निकले, करीब 3 बजे बॉर्डर क्रॉस करी थकरोली तालाब से। कितने लोग हैं उसके साथ? सर यही 40-50 का दल हुई। राजराम में इन्फॉर्मेशन पक्की? सर वो सरकार जानू पर खेल कर आए हो तोर पास। हवा लग जाही कहूँ राजन दादा को तो जिंदा नहीं छोड़ी। भरोसा रख भाई। राजराम तुम उधर। ओके सर। Oh!
चलिए सर, यहां से निकलिए सर। नंदी घाट में चिराओ एसपी, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। राजन दादा, नहीं नहीं, लाल सलाम कॉमरेड, लाल सलाम। जी बहुत अच्छा किया। कबीर, पागल हो गया तू? मैं गोली मारने वाला था। जान हाजिर है मियां, जब चाहे मांग ले, बस दारू पिला दे थोड़ी पहले। बाहर तुझे सिक्योरिटी नहीं मिली? यार तेरी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है ना, मुझे अंदर आने का चांस ही नहीं देती, तो मैं आ गया अपने रास्ते। उन बेचारों को क्या मालूम कि हम गोरिल्ला ट्रेनिंग कर चुके हैं। तू बड़ा टेंशन में है। छोड़ना यार, तू ये बता, तू यहाँ कैसे? यहाँ कैसे का क्या मतलब? तुझे मिस कर रहा था तो चला आया तुझे मिलने। रिया ने बताया, सुना 8-10 नक्सलियों को उड़ा दिया। घंटा उड़ा दिया साला। It was a trap. मौत का आतंक फैला के रखा है उस बास्टर राजन ने, और वो गरीब बेचारा तगड़ू को काट के सुरमा बनता है साला। आज वो बच गया, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लाश लटका दूंगा उस साले के उस होम मिनिस्टर की खिड़की पर, पूरे नंदी घाट को साफ कर दूंगा। समझ क्या रखा है उन्होंने? मैं पुलिस हूं, मैं डिसाइड करूंगा क्या सही है क्या गलत। अरे हिम्मत है तो सामने आना, चैलेंज करते हैं, हाथ से हाथ लड़ेंगे बिना हथियार, 1-2-1 फोड़ डालूंगा साले को। अच्छा ठीक है, ठीक है, सो जा तू, चल। एक सही खबर मिल जाए मुझे, यूं खत्म कर दूंगा साले राजन को। सो जा। अच्छा हुआ तो है, सब डरे हुए हैं साले, डरे हुए। आदिल, आदिल, ओए, तू सोया नहीं अब तक? तेरे से बात करनी है, उठ। तेरा दिमाग उलट गया क्या? नहीं, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, वी कैन डू इट। उन्हें शक हुआ ना, एक सेकंड में खत्म कर देंगे। मगर कैसे होगा शक? हाँ, कोई मुझे जानता नहीं, किसी ने देखा भी नहीं मुझे यहाँ, ना लोकल, ना नक्सल, ना तेरी पुलिस। एक बार अंदर सेट कर गया ना, सारी इन्फॉर्मेशन तुझे भेजता रहूंगा, उनके प्लान्स, मूवमेंट्स, छिपने के ठिकाने। यार तू बस अटैक करता जा और आता जा, कहानी खत्म। कबीर, तेरा प्लान निहायत ही घटिया और डेंजरस भी है। यार कैसा डेंजर, किससे? मैं उनका कॉमरेड बनकर रहूंगा, शक का सवाल ही नहीं उठता। आदिल, हम दोनों ने हमेशा टीम की तरह काम किया है, कोई छू नहीं सकता था अपने को। ट्रस्ट मी मैन, वी कैन डू दिस। कबीर तू समझ नहीं रहा यार। देख, तेरे पुलिस के आम तरीके तो काम नहीं कर रहे ना, तो कुछ खास ही करना पड़ेगा। तुझे राजन चाहिए ना, मैं दूंगा तुझे राजन, विश्वास रख, हम जीतेंगे। तू बस मेरे अंदर घुसने का प्लान संभाल लेना। कारे मोती, पार्टी बदल रहे का? सर हमारे तो पब्लिक का दुकान है, कौन ला मना कर बो सर।
खैर आज 7 दिन होगा इनामी पोस्टर लगा के, एक भी खबर तो दिए नहीं तुम। कहाँ कौनो सुराग लगत है नक्सलियों के सर, आपो मन तो खुदे देखत हो, पैसा लेके भी मलिहा वाले गलत खबर देते है। ए बढ़िया चल निकालते है। अरे दरोगा साहब अभी कोनो बोनी नहीं हुए है। चल हट, हर बाजार में तो रही नाटक। अरे दवाई का पैसा है रे दरोगा साहब, क्या अस्पताल में है। छोड़, जनता के नौकर हो तुम, शोभा नहीं देता। ए ते कौन अजरब पुलिस ला हाथ लगाने वाला? पुलिस ला हाथ लगाया? चल इसको। चल चल चल। पुलिस पाला ने मारा 353, 419, 420, 468। कौन दलम के मेंबर है साला? इतनी बार बोलूं कि मैं नक्सल नहीं हूं, अपने पैसे लेने आया था यहां पर। यह स्टोरी तो कोई और ना सुनाना, तो स्टोरी हमन तैयार करवा दे। हम साले इतने चौस्ट हो गए हूं कि गिनती भूल जा रहे तू। माधव, मैं देखता हूं इसको। तू जा नाक संभाल अपनी, टूट गई शायद। आना काले साहब चुका लेना, जाएगा भी कहां साला। जा छोड़ो इसको। अब तू भी मारेगा एसपी, मार ले, मगर याद रखना जिंदा नहीं छोड़ूंगा किसी को। अकेले डालो इसको लॉकअप में, बहुत बकबक करता है साला। सड़ने दो साले को। भाग्य साला, पकड़ साले को, पकड़। पुलिस लॉकअप से भागकर सीधा जंगल में घुस जाना। डरना मत, रात को पुलिस वाले जंगल में तेरा पीछा नहीं करेंगे। जंगल नक्सलियों का इलाका है, वो खुद ही तुझे ढूंढ लेंगे। पर एक बात याद रखना, हर अनजान को पुलिस खबर ही समझते हैं वो। तुमन जाओ, अबे हमार कस्टडी में रही। कौन हो तुम लोग? चलो उठाओ इसको। चले पकड़। ये क्या कर रहे हो? बांध इसको। किधर ले जा रहे हो मुझे? चुप यार, कहाँ ले जा रही हो? अरे रुटा। चल
क्या नाम है? अरे नाम का है? कबीर। पूरा बता, कबीर का तुमसे मतलब? पुलिस वाले हो क्या? पुलिस वाला तो ते है, ते का सोचते कि हम जंगल में रहत हो तो का उल्लू हो हैं? अबे हमें मालूम है कि ते एसपी आदिल खान के आदमी है। सही कहा तुमने, हमें भी मालूम है कि तू माधुरी दीक्षित है। अबे यहाँ हम मन कोनो खेल नहीं खेला था तोर साथ में। साले 21 सेकंड में गोली सर के पार हो जाए अभी। तो फिर ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? एक तो मुझे बांध के लेकर आ गए हो यहाँ, ऊपर से पुलिस वाला बोलकर मेरी इज्जत उतार रहे हो। ते यहाँ के तो नहीं है, नंदीघाट में क्या करते है? नागपुर में धंधा था मेरा, मोबाइल फोन्स बनाने का। धंधे में दम नहीं था, ऊपर से साली उधारी इन लोगों की, वसूली करने आया था यहाँ। फिर पता चला उसकी दुकान ही बंद है। किसकी? श्री कंप्यूटर्स, सेकेंड हैंड मोबाइल फोन्स बना के बेचता है हनुमान चौक में। क्या यहाँ पे उधारी वसूली करना अलाउड नहीं है? गोली मारोगे? ए, चलो उठा इसको। कभी तो आएगी ओ सुबह, कभी तो आएगी। श्री कंप्यूटर में पता कर रहे हो? वो मोबाइल वाले बात सही है इसकी। ओ पुलिस पाचू पड़े हैं इसके, 7-8 केस लगा दे है इसके ऊपर। खोल दे इसको। पता चल गया हमको, तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम लोग नक्सल हो। माफ कर देना भैया, गलत जगह पे आ गए हम। मोबाइल का पैसा नहीं मिलेगा चलेगा, रेडियो टीवी कुछ और बना लेंगे हम। तू चाहे तो जा सकत है, अगर पुलिस 7-8 केस लगा दे तो रूप पर नक्सलाइट का किताब भी दे दे। भाई से सुना है कि तूने वो माधवराव का नाक तोड़ दे है। पकड़ के रखा था साले ने, नहीं तो मैं। चलो। अरे मुझे यहाँ छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तो क्या करे, साथ नहीं रख सकते। तो फिर पकड़ा क्यों हमको? खुद तो बोल रहे हो अगर पुलिस ने पकड़ा तो फिर नक्सल बोलकर मार डालेंगे। हमको तो कहीं का नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। बात तो सही है इसकी कॉमरेड, फिर कछुआ था पता ना है एक ही पॉलिटिक्स का, क्रिमिनल भी हो सकता है। अरे क्या पॉलिटिक्स कॉमरेड, दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं। वैसे काम का आदमी है कॉमरेड, कहता अच्छा है, साला रात भर भैर भी टेर रहा था। ठीक है लगा दे ला मंडली में, प्रचार तो करी। भैया देख लिया बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमरी बारी रे। महंगाई की महामारी ने हमरा भट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया। शरबत की तरह देश को, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। भैया देख लिया है बहुत ही सरदारी, अब तो हमारी बारी है ना।
महिंद्रा हो या टाटा, अंबानी हो या बाटा, सबने अपने चक्कर में देश को है काटा। बिड़ला हो या टाटा, अंबानी हो या बाटा, सबने अपने चक्कर में देश को है काटा। अरे हमरे ही खून से इनका, हमरे ही खून से इनका इंजन चले धका धक। आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। अब तो नहीं चलेगी तेरी ये रंगदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना, अब तो नहीं चलेगी तेरी ये रंगदारी रे, अब तो हमारी बारी रे। माधव राव सारी डिस्ट्रिक्ट देखो, इंक्वायरी करो, मैं खुद चेक करूंगा। सर सर ये तो हिच नक्सली है, हमन बोल रहे हैं ना आपको। सर पकड़ो सारे, आज नहीं छोड़ेंगे, रेस्ट करो। ए वायरलेस दे, कम इन पेट्रोल पार्टी 5। सर हेडक्वार्टर से फोन है। सर फोन। जी सर। अरे पकड़ो ला नक्सलिया है। जी सर, जन नाट्य मंडली वाले हैं सर। अरे पकड़ औला जे हारमोनियम बजात है। मैं देख रहा हूँ, अभी देखता हूँ सर। ए चलो। जी सर, जी सर, जी सर। बजाओ भैया ढोलकी, बजाओ डुका डुकी, बजाओ भैया ढोलकी, बजाओ डुका डुकी। उनका विश्वास जीतने के लिए तुझे उनको हमारे मूवमेंट की खबर देनी होगी। मैं सोमवार सवेरे जिंगना और रातोंबाड़ी एरिया में पुलिस मूवमेंट रखूंगा, और हर सोमवार हमारे वायरलेस की फ्रीक्वेंसी 132.5 होगी। की तरह 5 सेक्शन पुलिस पहुंच रही झिंगना, हमें निकलना पड़ेगा भी यहां से। तोला कैसे मालूम? रेडियो से। आप सवाल जवाब करती रहोगी कि निकल सकते हैं हम? बकवास बंद करते, रेडियो पर अनाउंस करके आते का पुलिस आजकल। दीदी रातोंबाड़ी समय से जाए, दुश्मन झिंगना पहुंच गए। मैं बोला तो बात बात पे मारने को तैयार हो जाती है। चलो निकलो अभी। कॉमरेड राजन ला खबर करो, हम मोटा रेती पे इंतजार करेंगे। लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम। कौन है ये? कबीर है कॉमरेड। कबीर? हाँ ताए माधव राव की नाक तोड़ने वाला। इसी ने रेडियो पर पुलिस की बातचीत भी सुनी थी। रेडियो पे? एक मिनट। कहाँ से सीखा ये सब? मैं बीटेक हूँ कॉमरेड, और वैसे भी इंटरेस्ट है हमें। कैसा? अपने ला साथ रखो। ये सारे नए रिक्रूट्स हैं क्या? उधर सब नया रिक्रूट है, अभी अभी ट्रेनिंग चालू हुआ। अच्छा। 21 नंबर 21 वापस एक ले शुरू कर। क्यों? ऐसा क्यों? 20 के बाद एक? क्योंकि हमारे आदिवासी मन 20 ले आओ गिनती नहीं जानते हैं। कमाल है भाई, 20 के बाद गिनती नहीं जानते। पॉलिटिक्स शॉलिटिक्स क्रांति व्रांति माओ लेने खूब जानते हो। वेरी गुड। ए
मालिक। महंता स्टील प्लांट के निर्माण में कोई बाधा नहीं प्रधानमंत्री। देखो, इस आदिल खान को हल्के में मत लेना। उन्होंने एक सीनियर आदमी बैठाया है, इस बार वो पूरी ताकत झोंक देंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। महंता ने जो भी प्रोजेक्ट किए हैं, इंडोनेशिया, ब्राजील, लीबिया, सभी जगह प्राइवेट सेना को फंडिंग किया है लोकल लोगों को खदेड़ने के लिए। यहाँ भी सलवा जुड़ून वाले मन में हल्ला उठता है। तो फिर सेंट्रल कमेटी से कहिए कि डायरेक्ट एक्शन की तैयारी रखने की। एक ट्रेनिंग कैंप रखेंगे जहाँ मिलिशिया और कांग्रेस को हथियारों की ट्रेनिंग देंगे। डन। लेकिन हथियार खरीदने के लिए फंड चाहिए जो पूरा नहीं हो पाता। हमन लगा देख रही तो हिसाब किताब सही नहीं है कॉमरेड। का बोलत है कॉमरेड नागा, पिछले 3 महीना में आपने रोड कंस्ट्रक्शन से 25, बैंबू तेंदुवाला मन से 22, कॉस्मोस से 20। अरे का 25 22 20 कलेक्शन हमन करत है और हिसाब आप लिखत हो। अरे कॉमरेड राजन, आपको बहकाया जा रहा है। देखिए, जोन भी कलेक्शन होते है, पाई पाई जमा हो जाता है। आपने साबित करनी पड़ी है हिसाब ला। ये तरीका ले आप बात नहीं कर सकते हो। एरिया कमांडर हूं, खून दे हूं पार्टी के लिए। अरे बैठिए नागा, बैठिए। कंट्रोल करिए अपने आप को, यहाँ बात सिर्फ हिसाब की हो रही है। हिसाब साफ है हमारा। अरे इतना टाइट करते हैं एसपी आदिल खान, फिर भी आओ फंड चाहिए तो वो भी कलेक्शन कर दे। वो फिर गलत आरोप बंद करो। हाँ, पैसा की चिंता हमर ऊपर छोड़ दो, हम कर दे वो इंतजाम फंड के। सप्लायर को खबर करवा दो, हथियारों की डिलीवरी टाइम पर कर दे जल्दी। लाल सलाम कॉमरेड। लाल सलाम। सावधानी ले कॉमरेड, 110 ऑटोमेटिक, 7 मादा क्विंटल बारूद, गन पाउडर और 25 AK-47 4 पेटियों में है। यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? इतनी जंगल कम है और पुलिस का पेट्रोलिंग भी बढ़ गया है, ले जान में खतरा है। जल्दी ही चला के मैं कॉमरेड शिवराम का कैंप भी लगने वाला है, फिर उठा लेंगे। कबीर ला ले ले साथ में और ले ले कुछ सब्जी मसाले, बस अड्डे पे मिलती हूँ। प्याज ले लेते हैं। टमाटर कैसे? हेलो। हाँ दादा, बस थोड़कन लेट है, 10-15 मिनट में पहुंच जाऊँ। हाँ बस आवत हूँ। जो ही तुम्हारा असली नाम है, हर एक के
कई नाम है यहाँ, पता नहीं जूही तुम्हारा असली नाम है या ये मोर असल नाम नहीं है, मोर पार्टी का नाम है। असल नाम तो मुझे याद भी नहीं, 9 सालों के घर छोड़े। क्या हुआ था? मैं झारखंड से हूँ, बापू मोला पढ़ाना चाहत रहीस लेकिन भाग में कुछ और ही लिखा था। सूद ऊपर पैसा लिया था मेरे बापू ने, वो लोग पहले मेरे 2 बहनों को उठा ले गए, बाद में जमीन हड़प लिया। कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन पहुंची तो थानेदार बोला रात को घर आ, उधरी चली कुछ तेरी FIR। फिर मैंने फैसला किया, अब परवाह नहीं है, बस जनता ना सरकार कायम करने का मिशन है। 10 साल और जिंदा रहूं तो कम से कम 100 को तो मार डालूंगी। टाइम हो गया तुर शिफ्ट ला। कबीर, सुन रहा है? कबीर कैसा है, कहाँ से बोल रहा है? कैंप से भर्ती हो गया हूँ कॉमरेड। मुझे तो लगा था तू गाने बजाने में ही लगा रहेगा। अरे सबको करना पड़ता है। अच्छा सुन, एक बड़ा आर्म्स कंसाइनमेंट आया है, लोकेशन भेजता हूँ, और एक ट्रेनिंग कैंप भी होने वाला है, डिटेल्स मालूम पड़ते ही भेज दूंगा। कब? जब मालूम पड़ेगा तब। अच्छा लोकेशन भेजते ही मोबाइल फोन तोड़ देना, समझा? और सुन, अपना ख्याल रख। हाँ ओके ओके बाय। क्या कर रहा है तू? किसको मैसेज किया है? इधर ला। से ज्यादा कॉम्प्लेट भर्ती हुए हैं इस बार। हथियार थोड़े कम पड़े हैं जी, मगर ट्रेनिंग जम के कर। दादा आज सवेरे पुलिस की रेड पड़े। इधर सब पकड़े गए दादा, सब खत्म हो गया दादा। क्या बोलो थे? सब वो हथियार दुश्मन के हाथ लग गए, कुछ नहीं बचा दादा। कैसे हुआ? मेरी शिफ्ट में नहीं देखा। मैं भी नहीं देखा हूं। साथ में आधा क्विंटल बारूद, गन पाउडर और 25 AK-47। ये हथियार गांव वालों में बांटने का प्लान था,
The Maos are getting desperate. लेकिन हमारी इंटेलिजेंस उन पर लगातार नजर रख रही है और हम इनके इरादे पूरे होने नहीं देंगे। हमें पूरी खबर है कि कौन इन्हें सप्लाई कर रहा है और ये कहां से लाए जा रहे। चाहे जितना हाथ पैर मार ले आदिल खान, अरे मौत ना हिला सकत है हमें, ता फिर ये हादसे क्या चीज है। हमारा मूवमेंट जनता के लिए है और ओखर अधिकारों की रक्षा के लिए हमन आखिरी दम तक लड़बो। जब तक हम अपन एक एक इंच जमीन से उनको खदेड़ नहीं देत, हमन चैन से नहीं बैठेंगे और जनताना सरकार के सेना के कैंप तब तक चलत रही। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। चीन के लिए अपना हक ना कोई शुभ ना कोई शक। जंगल अपना बाप है, नदिया जूही। गंदली बरसात बनी, मेहनत की रात बनी, गंदली बरसात बनी, मेहनत की रात बनी, खोले जो बंद तेरे आहा, आहा, अरे खोले जो बंद तेरे Oh!
बस एक रात में ही हमने उनके सबसे बड़े ट्रेनिंग और ऑपरेशन कैंप को स्मैश करके रख दिया और इसका पूरा पूरा क्रेडिट आदिल खान को जाता है। सर, मैं मानसी दुबे दैनिक भास्कर से, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि मारे गए 64 आदिवासियों में निहत्थे और निर्दोष लोग नहीं थे? देखिए, पुलिस निर्दोष लोगों को अपना निशाना नहीं बनाती। जब पुलिस खुद ह्यूमन राइट्स वायलेट करती है तो उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं? जरूर होनी चाहिए। लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट, नंदीघाट में एक जंग चल रही है जो माओवादियों ने छेड़ी है इस देश के सॉवरेनिटी के खिलाफ। एक ऐसी जंग जिसके नियम हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि नक्सली हिंसा किसी नियम को नहीं मानती। और अगर आपको ह्यूमन राइट्स की चिंता है तो पहले उनके आतंक से बात शुरू करें। 2000 से ऊपर पुलिस वाले इसलिए मारे गए क्योंकि वो अपनी देश की रक्षा कर रहे थे। पहले उनकी मौत की इंक्वायरी शुरू करें, उसके बाद आपके सारे आरोपों के जवाब मैं भी दूंगा। गई ना तेरे को भी। कैसा, तूने वार्निंग क्यों नहीं दी? सीधे फायरिंग क्यों? वार्निंग दी थी कबीर, लेकिन उस नाच गाने के शोर में किसी ने सुना नहीं और उनके संतरों ने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। हम क्या करते, हथियार फेंक देते? ठीक नहीं हुआ आदिल, बच्चे बूढ़े औरतें वहां ज्यादातर लोग मासूम थे। मासूम बंदूक की ट्रेनिंग नहीं लेते कबीर। यार उन्हें लगता है कि सरकार ने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया, अब उनकी जमीन उनके घर छीन लेगी, कि वो महानता को सपोर्ट करती है और पुलिस उनके लिए काम करती है। देख देख कबीर, मैं तुझ पे 100% भरोसा करता हूँ, नहीं तो तुझे अंदर जाने नहीं देता। लेकिन अगर इन लोगों के बेतुके प्रोपेगेंडा को सुनकर तू भी कंफ्यूज हो रहा है और इस मिशन को छोड़ना चाहता है, मुझे कोई अर्ज नहीं यार, तुझसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। छोड़ के भागने की बात की मैंने? ये मिशन मैंने तुझे हेल्प करने के लिए लिया है। मुझे लगा कि तू समझ जाएगा कि उनकी लड़ाई उनके हक के लिए है। लड़ाई का तरीका गलत है कबीर, मैं जानता हूं यहाँ के लोगों की ऐसी बदतर जिंदगी देखकर तेरा दिल दुखता है और इस देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात हो ही क्या सकती है। लेकिन अगर अब भी यहां विकास नहीं हुआ ना, तो यह जगह सचमुच नर्क बन जाएगी। तू देखना, हम दोनों जो भी कर रहे हैं उसे आखिर में यहां के लोगों का ही भला होगा। गुड, अब सुन, जैसे ही राजन मुझे मिल जाए तो वहां से निकल जाना, आगे का बंदोबस्त तेरा मैं कर लूंगा। ओके ओके। बहुत बधाई हो महंता जी। मोस्ट वेलकम सर। आइए मुख्यमंत्री जी। जी मुबारक हो एसपी साहब, आपके लिए डबल खुशखबरी है। अब इतना सॉलिड काम किया आपने हमारे लिए, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। माना कि नंदीघाट का वनवास हम खत्म नहीं कर सकते, तो सोचा सीता मैया को आपके पास भेज दे। अरे भाई, नंदीघाट में स्पेशल इंटेलिजेंस सेल का प्रपोजल कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है और हम रिया मेनन को डायरेक्टर बनाकर यहीं भेज रहे हैं। थैंक यू सर। आपका प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल कोई रोक नहीं सकता इस बार, सूट बनवा लीजिए दरबार हॉल के लिए। गरीब पिछड़ा और आदिवासी समाज आगे नहीं बढ़े, और उसके लिए जरूरी है कि यहाँ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सरकार सब सुख के साधन आपके घर के दरवाजे तक लाए, और यही हम करेंगे। यहाँ जो मानता ग्रुप की स्टील फैक्ट्री लग रही है वो बस आपके लिए है, आपके घर में उन्नति होगी तो देश आगे बढ़ेगा। कुछ भी ठीक नहीं होती कॉम्रेड,
मैं मानता हूं ट्रेनिंग कैंप की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, लेकिन जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राजन। 63 लोग शहीद हो गए, कॉमरेड श्रीराम चक्रवर्ती, का करवा हमन लोग बर्बाद कर दे मानता प्रोजेक्ट पूरे इलाके को, कैसे लड़वाओ हमन। हर वक्त तैयार, हिम्मत से भरपूर राजन, आज इतना मजबूर लग रहा है, जाहिर है आखिर तुम ही एक इंसान हो। क्या करूं मैं, अब अपन मगध में क्या करे हो मैं? ऐसा युद्ध कॉन्फिडेंस का एक खेल होता है राजन, दो लीडरों के आत्मविश्वास का, और आदिल खान ये अच्छी तरह से जानता है, उसका सारा रिकॉर्ड मैंने नजदीक से देखा है। अब तुम्हें यह सोचना है कि कैसे तुम उसके आत्मविश्वास पर वार कर सकते हो। एक जबरदस्त चाल चलने की जरूरत है कॉमरेड। मिलोर, गोविंद सूर्यवंशी पर नंदी घाट में 17 केसेस अलग अलग आपराधिक मामलों के दर्ज हैं। ये तो मेरा भी कहना है योर ऑनर, अलग अलग जगहों पर ट्रायल करने के बजाय एक ही जगह पर सारे केसेस क्यों नहीं ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर रिमांड ग्रांटेड। मैंने अखबार में पढ़ा आप भी नंदीघाट जा रही हैं। राइट प्रोफेसर, इसलिए आपको पीछे छोड़ना नहीं चाहती थी मैं। कॉमरेड, ये मिशन हमला हर हाल में पूरा करना है, दुश्मन के घर में घुस के उसको मारेंगे और जीत के घमंडला तोड़ देबो। अपन अपन यूनिफॉर्म बदल लो और छोटे छोटे टुकड़ी बना के अपने दल के लीडर के संग अलग अलग डायरेक्शन ले शहर में प्रवेश करेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम। चलो, यूनिफॉर्म बदल लो। तुम दोनों पुलिस हेडक्वार्टर के गेट के बाहर रोड पे खड़े रहोगे, जैसे ही पुलिस की गाड़ी निकले है वॉकी टॉकी पे मुझे बताओ, चूक नहीं होनी चाहिए कॉमरेड। नहीं, नहीं। लाल सलाम, लाल सलाम। गाड़ियां निकल गई हैं, कॉमरेड गोविंद साथ में है, तुमन सब निकलो वहां से। साइड में लगा, वीआईपी गाड़ी आवाज़ है, साइड में लगा।
वेल डन आदिल, वेल डन। सालेला जिंदा रखे के मतलब हमारी समझ के बाहर है। अरे सर आ गए। सर, वन क्वेश्चन प्लीज सर। ये फैंटास्टिक जीत है हमारी। आदिल खान ने उनका मोराल तोड़ दिया है। हमारे जवान हिम्मत के साथ लड़े और जबरदस्त जीत हासिल हुई। पर सर आप इसको अपनी जीत कैसे मान सकते हैं जबकि नक्सली दिन दहाड़े आपके शहर पे अटैक करके अपने नेता गोविंद सूर्यवंशी को छुड़ा के ले जाते हैं। आप पत्रकार लोगों को तो ब्रह्मा भी खुश नहीं कर सकता, हर दम नेगेटिव। अरे वो बूढ़ा बीमार टीचर क्या कर लेगा, ले जाने दीजिए उसे। हमारे हाथ में उनका कमांडर इन चीफ है राजन, नंदी घाट के आतंक का सरगना। लड़ाई हम वहां की जीत चुके हैं। Don't look so disappointed. विश्वास करो, तुम्हारी जीत हुई है, and I'm really proud of you. गोविंद निकल गया हाथ से साला। तो क्या हुआ आदिल? मैंने पूरे नंदीघाट के जंगल में सैटेलाइट सर्विलेंस की परमिशन मांगी है। चप्पे चप्पे पर कैमरा लगाऊंगी, बच नहीं पाएगा वो। वो तो वैसे भी नहीं बच पाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी मुझे। अच्छा एक बात बताओ आदिल, तुमने इतनी जल्दी इतना रिलायबल नेटवर्क कैसे सेटअप कर लिया? आई मीन नंदीघाट में जो पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया तुमने, कैसे? Well, intelligence से intelligence बनता है मैडम। Necessity is the mother of all invention. मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। This is rich. गांधी with a gun. बंदूक वाले गांधी। ऐसा ही समझ लो। You have done wonders, Adil Sahab. और मेरा बेटा भी आपकी बहादुरी का दीवाना हो गया है, और ये प्रोजेक्ट भी बस आपकी वजह से लग रहा है। प्लीज सर, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये नक्सल्स आपको परेशान ना करें। जी। तो बस एक काम और करवा दीजिए, ये लिस्ट है 230 आदिवासी गांवों की जो हमारे प्रोजेक्ट और माइनिंग एरियाज पर बसे हुए हैं, इनको भी खाली करवा दे आप। कीमत की परवाह मत कीजिए। मानता साहब, गांव खाली करवाने के लिए आपको कलेक्टर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ एसपी साहब, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपके डंडे के बगैर ये गांव वाले कहां हटने वाले हैं। माफ कीजिएगा मानता साहब, लेकिन हमारे डंडे कानून और व्यवस्था के लिए हैं, और जिस दिन उसकी जरूरत पड़ेगी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे हम। थैंक यू खान साहब, आने के लिए शुक्रिया। मैंने सेंट्रल कमेटी से बात कर ली है, इमरजेंसी बेसिस पर हथियारों का इंतजाम किया जा रहा है। जिन लोगों को गांव खाली करने का नोटिस दिया गया है हम वहां जाएंगे और उनसे खिलाफत की बात करेंगे। जो तुम चाहते थे वो अब होगा राजन, हम लड़ेंगे। क्या हुआ? आप कबीरला राजन कहे बाबा। राजन जैसा ही तो है ये। दादा, कॉमरेड राजन की जगह कोई नहीं ले सकता। ये तो सही है, उसकी कमी बहुत खलती है, लेकिन उसके काम को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहता हूं कि जो ट्रेनिंग और जो फाइट बैक उसकी जिम्मेदारी थी अब तुम्हारी होगी, और आज से तुम्हारा क्रांतिकारी नाम होगा आजाद। आजाद। लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम। नौकरियां, ठीके और यहां के विकास, सारा फायदा आप लोगों को ही मिलेगा, मगर जब तक जमीन नहीं मिलेगी ये प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा? ये 230 गांव खाली करवाना है और जल्दी। आप लोग ये सब पहले भी कर चुके हैं। देखिए मानता साहब,
ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद सलवा जुडुम बंदी हो गए हैं। अच्छा, मगर आप लोग के पास अपना अपना प्राइवेट सेना है ना? हमला डायरेक्ट बात करना पसंद है, आप कॉन्ट्रैक्ट बनवा दीजिए, डेली रिजल्ट देंगे हम लोग, है ना? आओ एक बात, आप जतेक वजन हमारे हाथ ऊपर बढ़ाएंगे हम उतना ही प्रेशर बढ़ा देंगे महंता साहब, काम जल्दी हो जाए। नो टेंशन, क्योंकि मेरी किताब में समय की कीमत हमेशा ऊंची है, और सरकार की चिंता भी आप हम पर छोड़ दें। वो चिंता ला तो हमन पहले ही छोड़ चुके हैं। चलो, बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो, मदद नहीं करती, और जब गांव वाले खुद खाली करवा रहे तो उनको जाके अरेस्ट कर लेते हैं। I mean, is this a freaking joke or what? सर, नंदीघाट एसपी लाइन पे हैं। एसपी साहब, कैबिनेट का अप्रूवल है कि जब गांव वाले आपस में बात विचार करके गांव खाली करें तो उसमें इंटरफेयर मत करिए। सर, बात विचार से नहीं, बंदूक हथियार और आतंक से काम कर रहे थे। उफ, एसपी साहब, आपस में रगड़ा रगड़ी तो होली जैसे त्योहार में भी हो जाता है, तो क्या सबको अरेस्ट कर लीजिएगा? छोड़ दीजिए सबको, आप नक्सल को देखिए, वो लोग गांव को देखेंगे। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन बहुत टेंस है, आदिवासी वैसे भी सरकार से नाराज है, इस तरह के एक्शन से जो भी थोड़ी बहुत गुडविल बनाई है हमने वो गोली मारी। गुडविल को हमको जमीन चाहिए बस। आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर मेरे ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी कानून तोड़ेगा तो उस पर तो मैं एक्शन लूंगा। एक सेकंड भी नहीं लगेगा इसे ट्रांसफर करने में, मुझे कानून सिखाता है, समझाइए इसे। आदिल, मैं एक स्पेशल यूनिट भेज रहा हूँ लैंड एक्विजिशन सुपरवाइज करने के लिए। वो डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करेंगे, तुम उन लोगों को रिलीज कर दो। दिस इज नॉट राइट सर, इट्स नो लॉन्गर योर ज्यूरिसडिक्शन आदिल खान, लीव इट टू मी। थैंक यू। नो लॉन्गर माय ज्यूरिसडिक्शन। उन्होंने हमारे ट्रेनिंग कैंप्स को खत्म किया, दर्जनों कॉमरेड्स की हत्या की, और ये सब सोच समझ कर जानबूझकर प्लानिंग के साथ हमें कमजोर करने के लिए आदिल खान करवा रहा है। लेकिन बाबा, हमें फिर से हथियार मंगाकर एक जबरदस्त पलटवार करना होगा बाबा। नहीं, अभी नहीं, सबसे पहले हमारे पास जो कुछ भी है इन बेसहारों को खुराक और आश्रय का इंतजाम करना है। तब तक बहुत देर हो जाएगी बाबा। यही तो हमारे देश की सच्चाई है, गरीबों की कोई परवाह नहीं करता, बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट सब मुनाफा देखते हैं, सरकार पुलिस पूरा तंत्र उन बड़े लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त जरूरत है कि हम इनके घाव पर मलहम लगाएं। बेटा जूही,
एरिया कमांडर से पता करो, जो भी फंड्स उसके पास हैं फौरन मंगाओ। बाबा हमारे पास तो कुछ खास बचा भी नहीं है। हाँ नागा जरूर मोटा कलेक्शन किया है, मगर वो साफ मना करता है। लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम। ना कर प्रेम का मोल रे रसिया, ना कर प्रेम का मोल, अरे नजरों से बस तोल रे रसिया, नजरों से बस तोल। कुंडा खून फकीरा बेईमान नजर बेईमान जिगर साला फायर नजर बेईमान बनो, उड़े होश डोला रे डोला ईमान, बनी जब से बनो मोहल्ले की जान। रुके रुके ना अब भीतर का शोर, रसिया दिल की बातें बोल, अरे कुंडा खोल फकीरा सबूत नहीं है कॉमरेड, हमारे सब साफ है एकदम, और हम कोनो महिला कॉमरेड के साथ कोनो जबरदस्ती नहीं करें। टोटल इल्जाम गलत है, बोले थे हम। चल छोड़ बोला, चल छोड़, चल साली, छोड़, छोड़, चल, बोला, अब गए चुपे, साला। जनता ना सरकार का कानून साफ है, जो पैसा एरिया कमांडर्स इकट्ठा करते हैं वो केवल मूवमेंट का है। नागा ने कानून को तोड़ा है और अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया है अपनी जाति याशी के लिए। एकर एक सजा है मौत।
मूवमेंट हुआ है, इसे इलाज करो जल्दी। यस मैडम। लोकेशन क्या है? जीएसएम पे इसकी लोकेशन निकालो क्विक। जी मैडम। हेलो आदिल, आई नीड यू हियर क्विकली, सैटेलाइट पे कुछ मूवमेंट है। अच्छा तो जीपीएस नॉर्थ 23 15.59507 ईस्ट 77। मैडम बाराखेड़ी गांव है। बाराखेड़ी गांव? बाराखेड़ी मैं जानता हूं कहां है। राजा राम। यस सर। जरा पता करो ये बाराखेड़ी एरिया में किसकी पेट्रोलिंग लगी। हाँ सर। सर हेडक्वार्टर से फोन है सर। हेलो आदुरा सर, बाराखेड़ी में कुछ मूवमेंट नजर आई है, जरा चेक कर लो। सर हमन पास में ही है। गुड, इसको भी इलाज करो। ए, रोक 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 पीछे। ठीक हो तुमन कॉमरेड आजाद? कावल है तुमला? कुछ नहीं, तुम लोग चलो गांव में, हम बस कुछ लेके आते हैं। हेलो हेलो लाल सलाम। ये टावर के का मतलब? साला नेटवर्क है। लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। हेलो हेलो, मैं हूँ कबीर। कैसा है तू पार्टनर? मिलना चाहता था, कब मिल सकता है? जरूरी है यार, यहाँ पर कुछ रश चल रहा है, 3-4 दिन में मिले। अर्जेंट है आदिल, कल मिल। उसी जगह। क्या हुआ कबीर, तू ठीक तो है? मिलकर बताऊंगा। कल 6 बजे उसी जगह। ये कहाँ का नंबर, कहाँ से बात कर रहा है? बाराखेड़ी गांव में। बाराखेड़ी? तू निकल वहां से, अभी निकल। क्यों, क्या हुआ? यार मैंने अभी माधवराव को वहां पर रेड पर भेजा है। अभी निकल वहां से, ठीक है? जल्दी। किधर है सब, कहां छुपा है? अगर मुला लगते बालू और बाकी सब साथी मन छुप गए, आपके इशारा के इंतजार करत हुई कॉमरेड। सोच समझ के, औरत बच्चों का जान खतरे में है। ए साला निकल रे बाहर, बस साला सब ए कुत्ते, बच्चों को छोड़ साले। दीदी, अगर मैं निकलूं तो एक मैं ही जाऊंगी, नहीं तो ये कुत्ते औरत बच्चों कौनला नहीं छोड़ी। बाकी सब उनको कह दे फायरिंग ना करे। शाबाश कॉमरेड जूही, तक खुद इधर है। साली पकाच। दीदी हम बोले कोले ले चलाना है। चल चल
सर, हेड ऑफिस खबर करूं सर? अभी तो बंद कर ले ही बाजा, थोड़ा इसका इन्वेस्टिगेशन तो कर लें। गाड़ी पहले फॉरेस्ट चौकी पे ले ले। मैं नहीं आते तुझे देख के कि 49 पुलिस वालों का मर्डर कैसे करे हो बेटे। एक मिनट के लिए हमारा हाथ तो खोल दे, अभी 50 पूरा कर दूँ। छोड़ दे इसको और भाग जा तुम सब। छीन के लेंगे अपना हक। साहब ला खबर करवा दें, बाराखेड़ी ऑपरेशन सक्सेस था, हमारे हाथ में एरिया कमांडर जो हुई है। ओके सर। चल चल। सांस फैली तो डबल मौत मरेगा, समझा? हिलने मत देना। ए, कैसा है तू? क्या हुआ अचानक? तू महानता के प्रोजेक्ट को रोक सकता है क्या? ये प्रोजेक्ट इस इलाके को बर्बाद कर देगा आदिल। देख यार कबीर, जिन लोगों की समझ से तू ये बात कर रहा है ना, वो तू रोक सकता है कि नहीं? नहीं। तो फिर तू नंदीघाट छोड़ दे, भोपाल चला जा। भोपाल चला जाओ? क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुझे कुछ हो जाए। मुझे क्या हो जाएगा? मुझे तू समझ नहीं रहा है दिल, बहुत गुस्सा है इन लोगों में तेरे एक्शन को लेकर। वो तो होना ही है, राजन जो है हमारे कब्जे में।
लेकिन तू मेरी फिक्र मत कर यार, अब मिलकर ये मिशन खत्म करेंगे हम। तूने जिस मकसद से मिशन उठाया था वो पूरा होने वाला है। ये देख, ये चिप है, अब जहां भी तू रहेगा हमें पता रहेगा, और उन लोगों को तुझ पर पूरा भरोसा भी है, चेक भी नहीं करेंगे। तू कल पास गोविंद और जोई के पास रहना, बस वही दोनों बचे हैं कबीर। वो खत्म तो खेल खत्म। हाँ, और एक और बात, कल पुलिस पोस्ट से कुछ नक्सलियों ने जूही को छुड़ा लिया और माधव को पकड़ लिया। जरा पता कर यार, कहाँ रखा है उसको? तू जानता है माधव राव ने क्या किया? हाँ, कल जूही को अरेस्ट किया था और क्या? उसने दो बच्चों और एक औरत को गोली मारी, पूरे गांव को जला डालने की धमकी दी। निर्दोष लोगों को बचाने के लिए जूही ने सरेंडर किया, फिर उसको पुलिस चौकी ले जाकर उसको टॉर्चर किया और उसका रेप किया। तो इतने भरोसे से बात कैसे कह सकता है? क्योंकि मैं वहां था। तू वहां कहां था? तू निकल गया था ना वहां से? तूने सब कुछ किया, तूने पुलिस पोस्ट पर हमला किया कबीर। हाँ, मैंने ही जूही को आजादी दी, मैंने ही तेरे पांच लोगों को मारा और मैंने ही तेरी पुलिस चौकी को बम से उड़ाया। माधव राम मेरे कब्जे में है। What the hell are you talking about, कबीर? इसका अंजाम जानता है? क्यों किया तूने ये सब? अरे पागल हो गया क्या? अभी रिलीज कर माधव राव को। अगर उसने ज्यादती की है, कानून सजा देगा उसे। उस पर हमारी जनताना अदालत में मुकदमा चलेगा। तुम्हारी जनताना अदालत? वाह कबीर, तो तू भी बंदूक के आतंक की जबान बोलने लगा है। बंदूक का आतंक तो कुछ नहीं आदिल, गरीब को गरीब रखना, उसकी जमीन को लूट लेना, उसके सारे अधिकारों को छीन लेना, असली आतंक तो ये है, और ये तुम्हारी सरकार कर रही है। और अब हर गरीब आदिवासी के खून में एक नया क्रोध उबल रहा है, और वो क्रोध बंदूक की नली से ही निकलेगा। बकवास बंद कर कबीर, बंदूक की नली से कभी कोई सलूशन नहीं मिलता। और जिन लोगों की वकालत तू कर रहा है ना, उनका रास्ता गलत है, ये तू भी अच्छी तरह जानता है। सत्ता हत्याने के लिए गरीब और बेबस आदिवासियों का इस्तेमाल कर रहे हैं माओवादी, ब्लैकमेल कर रहे हैं हमारे देश को। तू ही कहता था ना, अगर सिस्टम काम ना करे तो उसे ठीक करना चाहिए, उसे तोड़कर किसी का फायदा नहीं। देख कबीर, आखिरी बार एक दोस्त के नाते कह रहा हूं, छोड़ दे माधव राव को। ये बात अब हमारी दोस्ती के परे हो चुकी है आदिल। तो फिर ठीक है, मैं मिशन खत्म कर रहा हूं, तू चल यहां से, तेरा काम हो चुका। नहीं, मेरा मिशन तो अब शुरू हुआ है, मैं पूरी तरह इन लोगों के साथ हूं। आज के बाद अगर किसी ने भी किसी गरीब आदिवासी को छुआ तो मैं उसका वही हाल करूंगा जो माधव राव का किया है, चाहे वो जो भी हो। आखिर तूने अपनी औकात तो दिखाई दी। सांप को दूध पिलाते वक्त पहचाना नहीं मैंने कि एक दिन मुझे यहां के डसेगा, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, तू नमक हरामी मेरे साथ ही नहीं कर रहा, अपने देश के साथ भी गद्दारी कर रहा है, और देशद्रोह की सजा तू अच्छी तरह जानता है। आज के बाद ये दोस्ती खत्म। औकात तो तू दिखा रहा है, आखिर में पुलिस वाला ही निकला ना। कबीर, कबीर मत करिए, इसका अंत बहुत भयानक होगा। सही बोल रहा है तू, अगली बार जब हम मिलेंगे हम दोनों में से एक ही वापस लौटेगा।
सर ये जिम्मेदारी लेने वाला आजाद कौन है? सर क्या ये नया भेड़िया कौन है? बड़ी हार नहीं लगती आपको? आजाद सर बताइए। और ये? ये सारा फाइल सस्पेक्ट का है मैडम। तुम्हारे पास अरेस्ट और इंटरोगेशंस के वीडियोस भी होंगे? जी मैडम। लाओ उन्हें। इसे फास्ट रन करो। यस मैडम। एक मिनट रुको। जी मैडम गलत डिस लग गया मार्केट का। चलाओ इसे। जी मैडम। उन लोगों के जननाट्य मंडली वाले हैं। मैडम ये भी नक्सल है, लॉकअप से भागा हुआ। सोच क्या रहे थे तुम? रिया प्लीज काम डाउन। कबीर हम दोनों उससे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन वो एक बेलगाम बेकाबू जंगली घोड़े की तरह है। ये तुमसे बेहतर कौन जानता है? और तुमने उसे अपना इन्फॉर्मर बना के नक्सलियों के बीच भेज दिया। What were you thinking, Adi? I don't know, Ria. नहीं जानता हूं क्या सोच रहा था। इसी का आइडिया था। जानता हूं मना कर देना चाहिए था, लेकिन कैसे सोचता है कि कबीर इस कदर पलट जाएगा? आखिर सबसे अच्छा दोस्त है वो। दोस्त था आदिल, आज वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और ये तुम्हारी दुगनी ट्रेजेडी है। जीसस क्राइस्ट, एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया तुमने। अब वो क्या करेगा कोई नहीं कह सकता। हम सब इस हादसे को लेकर चिंतित हैं महंता जी। विश्वास कीजिए सरकार आपके साथ है। देखिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे आदित्य चाहिए मुख्यमंत्री जी। अगर हमारे बेटे के साथ कुछ हो गया तो मैं यहां। उसे कुछ नहीं होगा, हम पूरी फोर्स लगा देंगे। आपके प्रोजेक्ट को अब कोई नहीं रोक सकता। टू हेल विद द प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन याद रखिए अगर हमारा बेटा जल्द नहीं लौटा तो कोई भी इन्वेस्टर स्टेट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। नहीं नहीं आप ऐसी बात मत कीजिएगा। राजन के अरेस्ट के बाद उनकी जगह लेने वाले आजाद पहली बार कैमरा के सामने आए हैं। आइए आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। आदित्य महांतो को कुछ नहीं होगा अगर हमारा डिमांड पूरा कर दिया जाता है, और हमारा बस सिंगल पॉइंट डिमांड है, हमारे कॉमरेड राजन को हमें लौटा दें। हम बच्चे को सही सलामत छोड़ देंगे। अगर सरकार आपकी मांग ठुकरा देती है तो उसके परिणाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। लेकिन राजन को छोड़ने को पुलिस तैयार होगी क्या? ऐसे तो कल को आप कुछ और भी बोल देंगे। एक मिनट सुनिए, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई सवाल नहीं, बस। पुलिस से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस हमें विकास का पाठ पढ़ाना बंद कीजिए। हेलो सर, डीजीपी साहब लाइन पर। सो आदिल, सरकार ने राजन को रिलीज करने का फैसला किया है। नो सर, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी सर। प्लीज डोंट डू दिस सर। हमने जितनी भी मेहनत की है, जो कुछ भी अचीव किया है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आदिल तुम समझने। बहुत हो गया खान, ये सरकार का फैसला है, हम और खतरा नहीं ले सकते। आप आदित्य महंता की रिलीज निश्चित करवाइए, और इसमें किसी तरह की गफलत नहीं होनी चाहिए। बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। ठीक है। इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी मैडम, इससे इनको इन्फेक्शन हो सकता है।
और जान को खतरा भी। सर आप सचमुच चाहते हैं कि मैं इसे छाप दूं? मगर याद रहे आपको एक बनामी सोर्स से मिला, मुझसे नहीं। समझ गए? अच्छे से समझ गए सर। फ्रंट पेज का न्यूज है। हाँ अगर कोई फोटो मिल जाता आप दोनों का तो खबर सुपर हिट हो जाता। थैंक यू सर। बुखार थोड़ा कम है अभी। ये क्या कर रही है? चुप साले बाहर जा। ये क्या हो रहा है जुई? तो ये तो रसल चेहरा है, हरामजादे, गद्दार। सच है बाबा? क्या ये सच है कि आदिल खान तुम्हारा दोस्त है और उसने तुम्हें यहां हमारे बीच भेजा है? तुम कह रहे हो कि ये आदमी, ये राक्षस जिसने माधव राव और पांच पुलिस वालों को मारा, जिसने आदित्य महंता को अगवा किया, ये पुलिस का आदमी है? जी सर। नंदी घाट में पुलिस फोर्स की जितनी भी रही सही इज्जत बाकी थी उस पर तुमने कफन चढ़ा दिया एसपी आदिल खान। यू हैव टर्न्ड अवर एंटी नक्सल ऑपरेशंस इनटू अ जोक। इस सच्चाई को जाहिर करने की एक ही वजह है सर, नक्सल कभी किसी गद्दार को माफ नहीं करते। कबीर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं जानता हूं जब वो कुछ ठान ले उसे कोई रोक नहीं सकता। यह एक तरीका उसे खत्म करने का, इसीलिए यह इंफॉर्मेशन लीक की थी मैंने। उसके बाद आप जो भी एक्शन लेना चाहे मैं तैयार हूं। सर, तुम्हारे षड्यंत्र की वजह से कॉमरेड शिवराम
कॉमरेड चक्रवर्ती और दूसरे 16 क्रांतिकारी और अनेक मासूम मारे गए। बाबा मुझे नहीं पता था कि ट्रेनिंग कैंप पर पुलिस गोलियों से हमला करेगी। तो ते का सोचत है? तो इंफॉर्मेशन मिलते ही पुलिस फूल वाला लेके आई हमारे पास? हाँ? हमने तुझे पनाह दी, तुझ पर पूरा विश्वास किया, तुझे अपना समझा और तू हमारे ही पीठ में छुरा भोंकता चला गया। तू ये सच है कि मैं उसका आदमी बनकर आया था, मगर जब मैंने आप सबकी लड़ाई को समझा और आप लोगों को जाना तब मैं बदल गया। छोड़ दिया मैंने आदिल का मिशन, इसीलिए उसने अखबार को यह खबर दी ताकि हमारी एकता तोड़ दे वो। हमन कैसे माने कि अगर पाछो तुम्हारे मन के कोनो चाल नहीं है? कैसी चाल बालू? हाँ, मैंने महानता के बेटे को अगवा करके कॉमरेड राजन को छुड़वाया है, उसी का बदला तो ले रहा है वो। बाबा वो जानता है कि जनताना अदालत बैठेगी और आप सारे कॉमरेड्स के सामने। हेलीकॉप्टर कहां जाते हैं? उन्हें कैसे मालूम? आदिल द डॉट इज मूविंग, वो से शिफ्ट कर रहे हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, उस तरफ। एक मिनट, वो तुम्हें देख नहीं सकते लेकिन फिर भी उन्हें मालूम है कि तुम सब कहाँ हो। ये चिप आदिल को बता रहा था कि आप सब लोग कहाँ हो, मैं इसे पुलिस को उस तरफ खींच ले जाऊंगा, आप लोग वहां से निकल जाओ। लेकिन तुम अकेले कैसे? बाबा मेरी चिंता मत कीजिए, आपका राजन का रहना बहुत जरूरी है, जब तक आप रहेंगे तब तक हजारा कॉमरेड्स पैदा होते जाएंगे। हजार, तुम्हारी शुरुआत कैसी भी रही हो लेकिन तुम्हारा अंत एक क्रांतिकारी का होगा। कॉमरेड लाल सलाम। लाल सलाम। कबीर, अरे चिप तो दूसरी दिशा में बढ़ रहा है। लेट्स गो डाउन। राजन को लेके भाग रहे आपको तेजी से, डायरेक्शन बदल दिया उन्होंने। आदिल इज मूविंग साउथ ईस्ट नाउ। Thank you.
चार्ज। God damn it, Kavi! क्यों? क्यों? क्यों किया तूने सब? क्या मिला तुझे? हाँ? गलती मेरी थी, मैंने तुझे अंदर जाने दिया। और तू? इन लोगों का साथ दिया तूने? अब चल। Hey! नहीं कभी। क्यों किया तूने? मैंने जो किया उस पर मुझको कोई अफसोस नहीं। बस एक बात का दुख है कि मैंने तुझको चोट पहुंचाई। नहीं यार, गलती मेरी थी यार, तुझे कभी नहीं भेजना था, कभी नहीं। सब ठीक हो जाएगा। सॉरी कभी। कभी? कबीर और जूही की शहादत ने गोविंद और राजन के संघर्ष को और भी हवा दी। तेजी से बढ़ता नक्सलवाद आज देश के 200 से भी अधिक जिलों में अपनी जड़ें जमा चुका है। हजारों हथियारबंद माओवादी गुरिल्ले अपने ही देश की सेना के साथ एक भयानक खूनी संघर्ष में लगे हुए हैं। एक दिन भी नहीं गुजरता
जब भारत की धरती अपने ही बच्चों के खून से लाल न होती हो। इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? आज़ादी के 65 सालों में हमने तेजी से तरक्की तो की, लेकिन उतनी ही तेजी से देश की एक बड़ी आबादी दूर पीछे छूटती चली गई। चमकते भारत की सच्चाई ये है कि देश की 25% आमदनी पर बस कुछ 100 परिवारों का कब्जा है, जबकि हमारी 75% आबादी रोजाना 20 रुपये से भी कम पर बसर करने को मजबूर है। इस अंतर से जन्मा अविश्वास और आक्रोश बढ़ता जा रहा है, और शायद वक्त हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है।